So, how are you all? I welcome you all to an Academy platform. So, class, today again we are focusing on is matter around us pure? Class, जो बच्चे आज नए आए हैं, हम इससे पहले दो क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप प्लीज जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखो, आपको वहां पर चैप्टर 1 चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी दिख जाएगी। सो ऑल द पार्ट्स आर ओवर देयर इन द प्लेलिस्ट इटसेल्फ, सो यू कैन चेक ओवर देयर। बट टुडे वी आर फोकसिंग ऑन इज मैटर अराउंड अस प्योर। जितना हम पढ़ चुके हैं उसके आगे आज हम देखेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, हमने पढ़ा था, राइट? ओके, एंड क्लास आपको याद होगा, हम पता है बहुत एक्सपेरिमेंट्स, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे थे। क्यों हम ये एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज व्हाट आई वांट, हम क्लास में, अभी हमने क्लास स्टार्ट करी है, इसके बाद ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो घर पे वापस जा रहा है, बुक ओपन करेगा, नाउ द चाइल्ड इज लर्निंग, अच्छा इसका मतलब ये है। नो, क्लास में आए हो, क्लास में ही याद करके जाएंगे, ये मोटिव होगा हमारा, ठीक है? सो एवरीवन, आर यू विद मी? आई होप यू ऑल विल बी अटेंटिव थ्रू आउट द क्लास। ओके क्लास, सो बिफोर स्टार्टिंग आई लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम रश्मि यादव एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज फ्रॉम वुमेन। Currently, I am a TGT teacher, and in an academy, I am from K-12 category. And I taught many students both, online and offline platform. So here I am to teach you and to make you masters of science. So just believe in me and see, जो हम पढ़ रहे हैं, we will be learning it together. So class, yes, you can ace your school exam with an academy. Class. An Academy is one of the best and biggest study platform. So go and take a subscription the moment you will be downloading the An Academy Learners app that is easily available on the Play Store app. So just download that app, An Academy Learners app, and just take the subscription. And class, don't forget to use this code. Our discount is going on REY10. If you will be using this code, you will get flat 10% off. So what you are waiting for? Go and hurry up, download the app and take the subscription. Okay, for your little help, subscription list is over here. Subscription list जो है 10th, 9th, 11th, 12th की यहाँ पर already है, आप देख सकते हो कि जब आप अपना app जब download करोगे उसके अंदर आपको 9th, 10th, 11th, 12th की सब्सक्रिप्शन लिस्ट यहाँ पर ऐसी दिखेगी। तो क्लास, ये दो लिस्ट क्यों है? द मोमेंट यू विल बी यूजिंग दिस कोड RAY10, आप देख पा रहे हो कितना ह्यूज डिफरेंस है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सो दिस इज फॉर योर ऑन बेनिफिट, आप अपने ही बेनिफिट के लिए यूज करो इस कोड को। एंड यहाँ पर आप 48 मंथ के लिए 833 पर मंथ पे कर रहे थे, ये कोड यूज करके यू आर पेइंग 750 पर मंथ। सी क्लास, 750, इतने का तो हम पिज्जा बर्गर खा लेते हैं, राइट? सो क्यों नहीं हम एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और हम अपनी लर्निंग को, अपने स्टडी टाइम को और फोकस करें, राइट? सो जस्ट आफ्टर द क्लास गो एंड डाउनलोड द ऐप एंड जस्ट टेक सब्सक्रिप्शन। अगे क्लास, सो इन लास्ट क्लास व्हाट वी स्टडीड, बेसिकली वी डिस्कस अबाउट सम इम्प्योर एंड अप्योर सब्सटेंस। क्या इम्प्योर होता है, क्या प्योर होता है ना? हमने पढ़ा था, हमने ये देखा था कि आपके पास एक कॉपर आयरन है, उसमें क्या है, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या है, कॉपर के हैं। तो क्या हुआ, ये प्योर हुआ, राइट? प्योर हुआ, ओके। सो इम्प्योर क्या हुआ, आपने हल्दीराम का पैकेट देखा है, हल्दीराम का पैकेट, उसमें क्या होता है, ओके, कैश्यू होते हैं, नमक होता है, पता नहीं क्या क्या मिक्सचर होता है, तो होता है ना मिक्सचर, सो दिस इज इम्प्योर, ये एक इम्प्योर सब्सटेंस। फिर हमने आगे ये पढ़ा था होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। इम्प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में और डिवाइड होता है, एक है होमोजीनस, एक है हेट्रोजीनस। व्हाट आई मीन बाय होमो, ये हमने ऑलरेडी लर्न कर चुका है, मैं एक बार आपको जस्ट रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है? फिर हम आगे पढ़ेंगे। होमो मतलब सेम, मतलब सेम, एंड हेट्रो मतलब डिफरेंट। बेसिकली इसके अंदर सेम पार्टिकल्स है, सेम है, सो दिस इज होमोजीनस। एंड हेट्रोजीनस इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है लेमनेड, ओ माय गॉड, गर्मी में लेमनेड तो बहुत पसंद आता है, सो लेमनेड है,
क्या आप बता पाओगे उसमें ये रहा नमक, ये रहा नींबू, ये रहा पानी? नहीं बता सकते। दो इट्स अ मिक्सचर, है मिक्सचर, लेकिन यू कांट डिफरेंशिएट कि उस ग्लास में आपका नमक कहाँ है, वाटर कहाँ है, इधर लेमन जूस कहाँ पर है, नहीं बता सकते। ओके, हेट्रोजीनस में इफ यू आर मिक्सिंग, फॉर एग्जांपल यू हैव अ बीकर, इफ यू आर मिक्सिंग मड, इफ यू आर मिक्सिंग मड, सो यू कैन डिस्टिंग्विश, आप बता सकते हो मैम मड ये रहा, मिट्टी ये है, सॉइल ये है, पानी ऊपर है, बता सकते हो? दैट इज हेट्रोजीनस। ये डिफरेंस आ गया सेम एंड डिफरेंस का। उसके आगे हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। होमोजीनस को हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन, उसको आगे जो सोल्यूशन जो है टाइप। हेट्रोजीनस में दो टाइप के सोल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, एंड यहाँ पर क्या है ट्रू सोल्यूशन। हमने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करा था, राइट? हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था, उसमें हमने पानी ऐड करा, और हमने क्या ऐड किया था, हमने ऐड किया सॉल्ट। तो क्या हो जाएगा, एज यू ऑल कैन रिलेट विद योर लाइफ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मिला लो भाई सॉल्ट, मिलाओ मिलाओ, क्या हो जाएगा? मिल जाएगा मैम, मिल जाएगा सॉल्ट, तो दैट इज होमोजीनस। ओके, कोलाइड में हमने क्या पढ़ा था, वी हैव अ बीकर फ्रेश वाटर, एंड ठीक है, वी एडेड अ फ्रेश वाटर इन द बीकर इटसेल्फ, हमने क्या किया मिल्क, हमने यहाँ पर मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो है हमारे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, राइट? ये तो ट्रांसपेरेंट होगा, आप देख सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर है, कि सॉल्ट भी है, जब आप पियोगे तब आपको लगेगा, है ना, द मोमेंट यू विल टेस्ट इट तब आपको लगेगा ये तो सॉल्ट ही है, लेकिन यहाँ पर कलर आ जाएगा, मिल्क का कलर आएगा ट्रांसलूसेंट। सस्पेंशन का मैंने क्या बताया था, मड, यू हैव वाटर एंड यू आर एडिंग मड, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, नाउ यू कैन डिस्टिंग्विश पानी एंड सोयल, यू कैन डिस्टिंग्विश, राइट? सो दिस इज मड, ओके, दिस इज सस्पेंशन एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। ये तीनों सॉल्यूशन के बारे में हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, हमने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, एग्जांपल्स देखे थे, उसके लिए यू कैन चेक माय यू नो यू द लास्ट क्लास, यू कैन सी दैट एंड देन यू कैन लर्न अबाउट इट। ओके, आज हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, क्या है बेटा इसके बारे में, ये जो दिख रहा है आपको कोलाइड्स, ये वाला कोलाइड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या ये वाला हेट्रोजीनस के अंदर दिस कोलाइड। अरे हमने तो मैम इतने स्टार्टिंग से इतने टाइप्स पढ़ते हुए आ रहे, इंप्योर में भी इतने टाइप्स, कोलाइड के भी और टाइप्स हैं। यस, कोलाइड के भी और टाइप्स हैं, वी विल बी स्टडिंग दैट, कि कोलाइड्स जो है, जो हेट्रोजीनस के अंदर एक सोल्यूशन को कहा जाता है, उसके और कितने टाइप्स होते हैं। तो कुछ टाइप्स देखो, जस्ट एज इन ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन अभी हमने पढ़ा था, है ना, होमो में पढ़ा था ट्रू सोल्यूशन, वाटर और सॉल्ट ऐड किया था, होमो सोल्यूशन, होमोजेनस एंड हेट्रोजीनस, तो ट्रू सोल्यूशन उसी का टाइप था। ओके, जस्ट एज इन ट्रू सोल्यूशन, बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन एग्जिस्ट इन एनी वन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। ओके, सो क्लास हमने ये भी डिस्कस करा था, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बीकर, ठीक है, यू हैव अ वॉटर इन साइड इट, आपके पास क्या है पानी, उसमें आपने क्या ऐड किया सॉल्ट ऐड कर, सॉल्ट ऐड कर दिया, सो इस सॉल्ट को क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे सॉल्यूट, ठीक है, और इसको क्या कहेंगे हम सॉल्वेंट, ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट इज बीइंग एडेड टू सॉल्वेंट, एंड ये जो है इन द ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन था सॉल्ट ऑफ वाटर, बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट, थ्री स्टेट हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट? ये जब हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ये तीनों स्टेट हमारी एग्जिस्ट करती है, इन द सेम वे इन कोलाइडल सॉल्यूशन आल्सो बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, हमारा सेम कोलाइडल सॉल्यूशन पानी है, मिल्क ऐड कर दिया, तो कोलाइडल में हमने पढ़ा था ये क्या है डिस्पर्स्ड मीडियम,
और डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम। तो सेम इन कोलाइडल हमारे क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम, ये भी सॉलिड लिक्विड गैस में प्रेजेंट। आई बात समझ? तो ट्रू सॉल्यूशन के अगर हमारे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड गैस में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हमारे कोलाइड में भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड लिक्विड गैस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, ये तो हमने पढ़ ली इतनी बात। तो हमारे टेक्निकली कितने होंगे बेटा? देखो हम करेंगे ना सॉलिड लिक्विड, देन सॉलिड यू नो सॉलिड एंड सॉलिड गैस, फिर लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस एंड लिक्विड लिक्विड, राइट? फिर हम गैस सॉलिड गैस एंड लिक्विड गैस गैस, कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9। ओके, सो हमने बोला 10, 9 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, 9 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन शुड हैव बीन द पॉसिबिलिटी, राइट? पॉसिबल कितने हैं? 9, ठीक है, 9 ही है। बट हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ 8 ही हमारे टाइप्स होते हैं कोलाइडल। क्यों 8 होते हैं? सोचो क्यों 8 होते हैं, हमारे 9 क्यों नहीं है, 8 क्यों होते हैं? ठीक है, क्योंकि क्लास हमने ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर सॉलिड लिक्विड, बेसिकली ये जो आप एक लाइन को मान लो सॉल्यूट, एक को मान लो सॉल्यूट, एक को मान लो सॉल्वेंट। तो बेसिकली सॉल्यूट अगर सॉलिड है वो लिक्विड है, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड गैस, ऐसे करके हमने इनको 9 टाइप्स में डिवाइड किया। पॉसिबिलिटी तो इतनी है, लेकिन कैसे? मैं बोल रही हूँ 8 कैसे, कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आपको आइडिया है कि हम 8 ही क्यों कह रहे, 9 गलत क्यों है, वाई 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 क्यों? क्योंकि क्लास, क्योंकि जो हमने, बट एक्चुअली देयर आर 8 नॉट 9, बिकॉज गैसेस ऑलवेज मिक्स टुगेदर टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। हमें याद है आपको, हमने अभी किया गैस, और गैस जो बन रही है गैस सॉलिड के साथ ही बनेगी, गैस हमारा लिक्विड के साथ है, लेकिन जो ये वाला जो कॉम्बो है ना, जब हम एक गैस को सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, ये मिक्स हो गए, ये मिक्स हो गए, क्या हो जाता है, मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, एक जैसा बन जाता है। हेटरोजीनियस तो रहा नहीं, हेटरोजीनियस नहीं रहा तो ये कोलाइड भी नहीं रहा, क्योंकि कोलाइड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेटरोजीनियस, कोलाइड और सस्पेंशन हेटरोजीनियस को तो टाइप था। तो अगर हम दो गैस को मिक्स कर देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर में बन जाता है, ठीक है? ओके, नाउ मैंने आपको ये जो बताए थे सॉलिड लिक्विड बन गया, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड गैस, देन आपका लिक्विड सॉलिड लिक्विड, ओके लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, देन गैस सॉलिड गैस, लिक्विड गैस गैस, राइट? ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो गैस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स हो गए, क्या बन गया, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टाइप्स ही हमारे टाइप्स ऑफ कोलाइड, सिर्फ 8 होते हैं, याद रखना एग्जाम में 8 टाइप्स के होते हैं, 9th क्यों नहीं होता, बिकॉज दो गैस मिक्स करके आपका बन जाता है होमोजेनियस सब्सटेंस, ठीक है? ओके, आपके और ये जितने भी आप कोलाइड्स के जितने भी सॉल्यूशन है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, ये सॉलिड लिक्विड गैस में प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ही ट्रू सॉल्यूशन के ट्रू सॉल्यूशन प्रेजेंट था सॉलिड लिक्विड गैस में, वैसे ही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस में प्रेजेंट होगा। ओके, तो नाउ माय गॉड, ये क्या दिखा दिया मैम ने, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, physical state of dispersed phase and dispersed medium. इसी से ही आपको पता चल रहा है dispersed phase और dispersed medium कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, collide उसकी बात कर रही हूँ, उसी में तो पढ़ा था ना हमने, हमने true solution में क्या पढ़ा था, जो कम होता है उसे क्या कहते हैं, solute, जो ज्यादा होता है उसे हम solvent कहते हैं। तो हमारे इसमें क्या होता है कोलाइड में, कम वाले को डिस्पर्स फेज कहते हैं, जैसे कि हमने मिल्क को बोल दिया, और डिस्पर्शन मीडियम को बोल दिया हमने वाटर, सो दिस इज डिस्पर्शन मीडियम। सो फिजिकल स्टेट पे हमने इसको और क्लासिफाई कर,
देखो यहाँ पर देख पा रहे हो, सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 गैस, गैस सॉलिड गैस लिक्विड गैस गैस नहीं है, गैस गैस प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि दो गैस मिक्स हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, राइट? ओके, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी में आपको यही बनाया हुआ है। अभी मैं आपको ये नहीं बोलूंगी बेटा ये है आपके डिस्पर्स फेज और ये है आपके डिस्पर्स मीडियम, आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो कोलाइड आपका बन जाएगा, ये याद कर लो, रट लो, और ये एग्जाम्पल आप देख लो। मजा नहीं आया? ये तो मैम हमें घर जाके पढ़ना पड़ेगा, है ना? घर जाके बुक खोलोगे फिर लर्न करोगे, ये नहीं करना हमें। हमें सब सीखना है क्लास में, ए टू जेड हम क्लास में सीख के जाएंगे। ओके, उसके लिए अभी हम एक एक टाइप को उठाएंगे, जैसे सॉलिड सॉलिड हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस एंड सो ऑन, एक एक को उठाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपको यू समझ आएगा, एंड यू नीड टू बी अटेंटिव, राइट? ओके, तो क्लास लुक ओवर हियर। मैं नहीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये आपको फोग दिखती होगी यूजुअली हिमालयंस पे, ईस्टर्न रीजन पे, राइट? दिखती है कि नहीं दिखती? और अगर कभी विंटर होता है तभी भी आपको फोग दिखती है, अगर हम बोले मिस्ट मिस्ट हो गई वो भी आपको दिखती है, ठीक है मैम? ओके, अगर मैं आपको बोलूं स्प्रे, स्प्रे में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है स्प्रे में? आपने स्प्रे लगाई, मान लो इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, ओके, इंसेक्टिसाइड्स क्या हो गए बेसिकली? आपने इंसेक्टिसाइड्स के लिए दवाई छिड़क कर, क्या है आपके पास, क्या है? आसमान है, इन्वायरमेंट है, मतलब क्या है? आसपास में एयर लिख सकते हैं, चारों तरफ एयर है, यहाँ पर मान लो मुझे यहाँ छिड़कनी है इंसेक्टिसाइड, चारों तरफ क्या है? एयर है मैम, एयर है, यहाँ पर भी एयर है, ठीक है, यहाँ पर भी एयर है, हर जगह एयर है, लेकिन ये जो मैंने स्प्रे फेंका इसके ऊपर जो मैंने इंसेक्टिसाइड लगाई है क्या है वो मैम? वो लिक्विड है, लिक्विड है वो क्या है? आपने लिक्विड डाला है, राइट? तो क्लास ओवर हियर, देखो एयर है चारों तरफ, ये क्या है? ये ड्रॉपलेट्स होते हैं फोग के अंदर लिक्विड के, तो ये क्या है? लिक्विड, मतलब थोड़ा सा कॉम्बो समझ आ रहा है, आपके गैस है और लिक्विड है, क्या कहते हैं इसको? गैस। अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम, मैं यहाँ लिखती हुई जाऊंगी कि आपको कंफ्यूज ना ही हो जाए, अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम गैस है, मतलब बहुत ज्यादा गैस है, चारों तरफ गैस है, और डिस्पर्स्ड फेज, आपका डिस्पर्स्ड फेज आपके पास लिक्विड है, मतलब इंसेक्टिसाइड में आपने दवाई छिड़की, क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है, उसमें से दवाई निकल रही है, पानी आ रहा है इन्वायरमेंट में, एयर में, सो वो डिस्पर्स फेज क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तो जब भी आप गैस में लिक्विड डालो क्या बन जाता है? एरोसोल। क्या बन जाता है? एरोसोल, एयर और सोल, एरोसोल, राइट? तो याद रखना एरो, ठीक है, एरो इज एयर, चारों तरफ एयर है, एंड सोल एरोसोल, लिक सो गैस है, एरो इज एयर गैस है, और उसमें लिक्विड डाल देते हैं, एरोसोल। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये देखा है? ये तो चलो बैन हो गया, अब तो ऐसे नहीं होता है किसी को, किसी का भी अगर ऐसे धुआं निकलता है कि चलान कट जाता है, राइट? ओके, तो क्लास इवन दिस कितना स्मोक आ रहा है, एंड यहाँ देखो कार एग्जॉस्ट कितना ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है? आसपास क्या है मैम? अगेन एयर, आसपास एयर है, एयर यहाँ पर भी एयर, हर जगह एयर है, क्या आ रहा है? ज्यादा एयर है, ज्यादा एयर है, गैस है, तो हम क्या बोलेंगे इस गैस को? हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? मीडियम, डिस्पर्स्ड मीडियम, ज्यादा आसपास एयर है, उसमें हमने क्या डाल दिया? सॉलिड। मैम सॉलिड कैसे? ये भी तो एयर है, ये भी तो कुछ गैस है। हाँ बेटा गैस है, डस्ट पार्टिकल्स होते कि नहीं होते? अगर आप कभी भी इतनी डस्ट आ रही, कुछ होंगे ना डस्ट पार्टिकल्स, तो आप ये जो है दिस इज सॉलिड, डस्ट पार्टिकल्स दीज आर सॉलिड्स, सो बेसिकली फेज, डिस्पर्स फेज, तो डिस्पर्शन मीडियम गैस है, डिस्पर्स फेज सॉलिड है, क्या बन जाता है?
एरोसोल, अगेन एरोसोल, ये तो बहुत इजी है याद करने के लिए. एरो, एरो इज एयर और सॉलिड मिला दिया तो सोल, एरोसोल याद रखना. ठीक है क्लास, हमने पढ़ लिया गैस के अंदर सॉलिड मिला दिया, क्या बन गया आपका, बन गया एरोसोल. कैसे, एरो इज एयर और सोल इज सॉलिड, गैस के अंदर लिक्विड ऐड कर दिया, जो अभी हमने फोग के बारे में पढ़ा था, दैट इज ऑल्सो एरोसोल. एरो और सोल, गैस और गैस होती नहीं है, याद रखो गैस और गैस होती नहीं है, याद रखना. गैस के, गैस अगर आपका मीडियम है उसमें आप कोई भी डिस्पर्शन फेज कुछ भी ऐड कर रहे हो तो आप क्या सल्यूशन जो भी टाइप होता है कोलाइड का, एरोसोल ही होगा. आई बात समझ, बिल्कुल याद हो गया. गैस, बस याद रखना गैस अगर ज्यादा है, डिस्पर्शन मीडियम है और उसमें कुछ भी ऐड कर रहे हो, गैस गैस तो होता नहीं है, लिक्विड और सॉलिड बच गया, दोनों का बनता है एरोसोल, एरोसोल. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हैव अ लुक क्लास. क्या ये शेविंग क्रीम, राइट, शेविंग क्रीम हो गई, व्हिप क्रीम हो गया, राइट, कितनी चीजें हो गई. जैसे क्या होता है, हम बोलते हैं ना फोम निकल गया, हम बर्थडे पार्टी में तो बहुत यूज करते हैं, राइट, किसी का बर्थडे लगा दो मुंह पे, है ना, बहुत करते हैं बॉयज तो स्पेशली. तो शेविंग क्रीम क्या हो रहा है बेटा, इसमें लिक्विड, लिक्विड हमारा क्या है मीडियम, हमारे पास लिक्विड क्या है मीडियम, मतलब बेसिकली इसके अंदर लिक्विड है ज्यादा, राइट. आप इसको यूज करो, क्या होगा, इसको आप डाला, आपने स्प्रे किया और इसको रब करो, क्या होगा, लगेगा ना, ऐसा तो है नहीं गैस है, आप लिक्विड के अंदर आप में कुछ कुछ इसमें गैस प्रेजेंट होता है, गैस इज अ फेज ओवर हियर, गैस क्या है फेज, डिस्पर्शन फेज. तो लिक्विड बहुत ज्यादा है, उसके अंदर आपने गैस डाल, क्या बन जाएगा, फोम बन जाएगा. जैसे कि आपके पास क्या है, आपके पास है साबुन, आपके पास है सोप, आपने चलो आज तो बहुत नहाएंगे, रगड़ रगड़ के नहाएंगे, बहुत टाइम हो गया है ना, सो आज हम नहा रहे हैं, एंड आप क्या करो, सोप को रगड़ करते जाओ, लगाते जाओ लगाते जाओ, क्या होगा, सोप क्या है, सोप में आपने लगाया लिक्विड, सोप में आपने लगाया लिक्विड, लिक्विड के बाद लिक्विड तो ज्यादा है ना, आपने सॉप के ऊपर लिक्विड लगाया और तो क्या हो रहा है, सॉप मेल्ट करेगा, हल्का सा आपकी बॉडी पे लगेगा और गैस भी होगी थोड़ी सी उसके अंदर, तो वो क्या बनता है, फोम बन जाता है, फोम बनता है ना आपका, वो झाग झाग आ जाता है, बोलते हैं लादर, बोलते हैं सॉप लादर. तो लिक्विड और गैस सी तो मिक्स हो रही है, लिक्विड ज्यादा है, डिस्पर्जन मीडियम ज्यादा है, डिस्पर्जन फेज कम है, दैट इज गैस. मीडियम में लिक्विड ज्यादा है, गैस कम है, फेज सभी बोल रहे हैं, तो आंसर इज फॉर्म. ठीक है, याद रखना फॉर्म. ठीक है, लिक्विड, लिक्विड क्या है, हमारे पास मिल्क है, मिल्क में आप पानी मिला दो, थोड़ा सा मिला दिया, वाटर करते हैं ना, बहुत लोग करते हैं, चलो आज इतना ही पानी, इतना ही दूध है, मिला दो पानी, क्या पता चलता है किसी को, पता चल जाता है वैसे. ठीक है, आज हमने बोलते नहीं है, हम तो है जुगाड़ू ऐसे करके है ना गाने, गाना को जुगाड़ू, तो बेसिकली क्या हुआ, अगर था तो कम दूध, आपने जुगाड़ करके ज्यादा कर दिया, कैसे, पानी ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो क्या हो रहा है, लिक्विड और लिक्विड ऐड कर रहे हो, मिल्क जो है वो भी लिक्विड है, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड ऐड कर दिया, क्या बन गया, इमल्शन, इमल्शन बन गया, लिक्विड और लिक्विड ऐड कर दिया, बन गया इमल्शन, लिक्विड और गैस कर दिया था, लिक्विड और गैस बनाया था, क्या बना था, वो बना था फोम, याद रखना. सोप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सोप को आपने मिलाया लिक्विड से, आपने हल्का सा उसको मेल्ट किया, मेल्ट मतलब थोड़ा सा उसको अभी आप ऐसे सोप नया नया निकालो, क्या होगा, आप नहीं लगा पाओगे, आपको थोड़ा गीला करना पड़ेगा, लिक्विड यूज करना पड़ेगा, देन आप यूज कर रहे हो तो उसमें गैस भी यूज होगा, ज्यादा लिक्विड है कम गैस है, फोम बनेगा, राइट, झाग बन जाता है, लिक्विड लिक्विड मिल्क में पानी मिला दिया, क्या बन गया, इमल्शन, याद रखना इमल्शन. ओके, मड, दिस इज मड, ये जो दिख रहा है ब्राउन ब्राउन, ये मड है, सॉइल. हमने क्या किया, हमने लिया पानी, हमने डाला उसमें सॉइल, ठीक है, हमने ऐड किया उसमें सॉइल, क्या हो गया, लिक्विड हमारे पास ज्यादा था, लिक्विड ज्यादा था, बन गया मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, सॉलिड हमारे पास कम है, सो डिस्पर्स फेज, तो मीडियम ज्यादा है, बहुत ज्यादा लिक्विड है, उसमें हमने हमने क्या डाला, सॉलिड डाला, हमने मिट्टी डाल दी, मड डाल दिया, क्या बन जाएगा, सॉल्ट, सॉल्ट बन जाएगा. ठीक है, याद रखना लिक्विड
लिक्विड और गैस हो, लिक्विड गैस हो फॉर्म, लिक्विड लिक्विड है मिल्क और वाटर इमल्शन, लिक्विड सॉलिड है तो क्या है सॉल्ट इमल्शन और फॉर्म और गैस को तो आपको पता ही है, गैस का हमने देखा था गैस सॉलिड है तो आपने क्या बनाया था गैस और सॉल्ट, यहाँ लिख देते हैं हम फॉर एग्जाम्पल गैस, आपने गैस और सॉलिड का आपने लिखा था उसका सोचो, लिखो सब कमेंट बॉक्स में गैस और सॉलिड का क्या बना था, गैस और लिक्विड का हमने क्या याद किया था, गैस और गैस का भी बता दो मेरे को क्या था, राइट गैस और लिक्विड, गैस सॉलिड और गैस होता भी है कि नहीं होता, लिखो सारे कमेंट बॉक्स में, आई वॉन्ट टू सी आपको कितना समझ आ रहा है, लिखो लिक्विड का भी मैंने बता दिया आपको, लिक्विड और अगर आप गैस करते हो फॉर्म बना देते हैं, लिक्विड लिक्विड करते हैं इमल्शन और लिक्विड सॉलिड करते हो तो बन जाता है सॉल्ट, पता चल गया। आगे जाके मैं पूछने वाली हूँ लिक्विड का गैस का पूछा ना मैंने, सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एवरी वन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नाउ क्लास नेक्स्ट, हमने सॉलिड का हमने लिक्विड के तीनों फेज पढ़ लिए, सॉलिड पढ़ लिया लिक्विड पढ़ लिया गैस पढ़ लिया है ना, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, लिक्विड और गैस को हम बोलते क्या है, क्या बोलते हैं हम लिक्विड और गैस को एंड लिक्विड और लिक्विड को हम जो भी बोलते हैं, अभी मैंने हमने बताया लिक्विड और सॉलिड को भी क्या बोलते हैं, लिक्विड और गैस को हम बोलते हैं फॉर्म, लिक्विड लिक्विड को हमने बोल दिया इमल्शन और लिक्विड सॉलिड को हमने बोल दिया सॉल्ट। आप क्लास कंफ्यूज नहीं होना, ये फॉर्म में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें क्या हो रहा है सॉलिड, अगर आपके पास ये सॉलिड ऑब्जेक्ट, हमने ये भी एक्सपेरिमेंट से करा था है ना, अभी मैं आपको बोलूं कि बेटा ये सॉलिड है ठीक है, बट ये सॉलिड है आप प्रेस नहीं कर सकते, सो कितना भी करो करो प्रेस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, क्या होगा ये सॉलिड है बट ये जो स्पंज है ये तो प्रेस हो रहा है, आप इसको पूरा प्रेस करके आप इसको छोटा सा कर लो सॉलिड है, हाँ ये सॉलिड है, हमने इसके पीछे रीजन भी पढ़ा था कि इसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे होल है जिसमें आपकी ये जो एयर है वो क्या हो रही है वो ट्रैप हो जाती है, और जब आप प्रेस करते हो स्पंज को तो वो एयर रिलीज आउट हो जाती है राइट, सो दैट्स व्हाई ये जो है देखो ये हैंड इसने लगाया इसको हैंड का इम्प्रेशन भी आ गया, तो ये प्रेस हो रहा है नीचे जा रहा है ये फॉर्म राइट, हम यही बोलते हैं कि हमारा जो गद्दा है फॉर्म बोल देते हैं ना कभी कभी, तो फॉर्म वही होता है सॉलिड, सॉलिड आपका पूरा ये जो स्पंज है that is solid, मतलब that is dispersion medium and gas जो है that is dispersed phase, तो अगर आपका ऐसा कभी combination है solid में gas include हो रहा है तो वो form बनता है form, और solid में liquid में gas है तो भी form बनता है, याद रखना class confuse नहीं होना ठीक है। next solid liquid, ये जो है सॉलिड है इसमें लिक्विड भी ऐड कर रखी है, क्या बनी जेली, जेली बना के देखना आप घर पे कभी बनाओ घर पे जेली ऐसी बनेगी, और आप इसको जब आप ऐसे टच करो ना जेली ऐसे कापेगी है ना, तो वो क्या है जेली ओके, तो बेसिकली हमने सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करा है, सॉलिड और गैस को मिक्स किया था फॉर्म बन गया, सॉलिड और लिक्विड को मिलाया जेल बन जाएगा जेल है ना, आप जो बालों में भी जेल लगाते हो क्या होता है वो सॉलिड और लिक्विड को मिलाते हो बन जाता है जेल राइट, यही बनता है सॉलिड है उसके अंदर कुछ एंड आपने क्या किया उसमें लिक्विड इंक्लूड कर दिया जेल बन गया ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड को इंक्लूड करके बनता है जेल। नाउ सॉलिड सॉलिड ये तो बहुत इजी है, कलर्ड जेमस्टोन, ये दीज आर जेमस्टोन्स ठीक है, तो ये क्या होता है सॉलिड क्या है कलर, सॉलिड क्या है यहाँ पर कलर, और ये भी सॉलिड क्या है जेमस्टोन, कलर्ड जेमस्टोन दो सॉलिड को मिक्स करो क्या बन जाएगा सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड तो है ही दोनों सॉलिड है सॉल्ट सॉलिड सॉल्ट सॉलिड और सॉलिड सॉलिड सॉल्ट सॉलिड और लिक्विड क्या बना देता है सॉलिड और लिक्विड अभी हमने पढ़ा, और सॉलिड और गैस क्या बना देता है ये तो फॉर्म बना देता है, और सॉलिड और लिक्विड क्या बना देता है जेल, सॉलिड और लिक्विड इंक्लूड कर देता है हमारा जेल, याद हो गया ये तो सॉलिड सॉल्ट ये तो बहुत इजी है क्या बन जाता है सॉलिड सॉल्ट।
हमने बिल्कुल आ गया समझ, हमारी गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड और गैस गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, और सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड और सॉलिड गैस, इन सब का समझ आया। इसका तो चलो होता नहीं है, तभी हमारी 8 टाइप ऑफ कोलाइड्स है, राइट। सॉलिड गैस और सॉलिड, गैस के अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है, डस्ट हमने पढ़ा था, सॉलिड पार्टिकल्स जा रहे हैं, हमने एयर गैस का तो दोनों हो गए हमारे पास एरोसोल, एरोसोल दोनों गैस के हो गए एरोसोल। गैस और लिक्विड में हमने क्या डाला, लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड इंक्लूड कर दिया, लिक्विड के अंदर लिक्विड और लिक्विड के अंदर गैस। इसके ऊपर सब कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, आपने गैस का तो कर दिया होगा, लिक्विड पे कमेंट करो, लिक्विड पे करो। लिक्विड और लिक्विड में अगर हम सॉलिड इंक्लूड कर देते हैं, लिक्विड में सॉलिड तो क्या बनता है, लिक्विड में लिक्विड इंक्लूड करते हैं तो क्या बनता है, और लिक्विड में गैस इंक्लूड करते हैं तो क्या बन जाता है, ठीक है। ओके, सॉलिड का भी, सॉलिड का भी लिखो, एक एग्जांपल तो आपको नीचे दिख ही रहा है, चलो मैं यहाँ लिख ही रहती हूँ, सॉलिड सॉल्ट। यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड और सॉलिड और गैस हम जब इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारा क्या एग्जाम्पल, हम क्या बोलते हैं, वो आप सब कमेंट बॉक्स में लिखो, अभी हमने डिस्कस करा है, राइट। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट वी विल बी गोइंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या मतलब इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब आपके पास कोई बीकर है, इसमें मैंने डाल दिया कुछ सॉल्यूट, ठीक है, हम ऐसे ही बोलेंगे आपसे, नमक नहीं सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मैंने इंक्लूड कर दिया किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक है, सॉल्वेंट में। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन, नाउ ऐड करने के बाद मान लो मेरे पास ये ब्लू ब्लू तो वाटर है, एंड मैं यहाँ पर दिस ये ब्लू ब्लू वाटर है, और रेड रेड जो है वो आपका है नमक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आर मिक्स्ड अप, नाउ ये पूरा मिक्सअप हो गया है, ये जो मिक्स्ड है इसका कंसेंट्रेशन कितना है, क्या कंसेंट्रेशन है इसका, कंसेंट्रेशन कितना है, बता सकते हो, अभी तो नहीं बता सकते मैम, बट आप बता सकते हो, इसके बाद आप बता सकते हो कि क्या कंसेंट्रेशन है। आगे हम देखेंगे, अ प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नॉट इवन इन अ सॉल्यूशन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी हेलो, या अ प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नॉट इवन इन अ सॉल्यूशन, देयरफॉर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट अ सॉल्यूशन कैन बी, कैसे कैसे सॉल्यूशन हो सकते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। क्या मतलब है मेरा बेटा इस दोनों वर्ड से, आप एक वाटर मैंने ले लिया 100 ml वाटर, मैंने ले ली एक एक स्पून सॉल्ट, ठीक है, 1 स्पून सॉल्ट लिया मैंने, ये इंक्लूड करा इसके अंदर, क्या ये इंक्लूड जब मैंने करा क्या ये मिक्स हो जाएगा, नमक ये जो आपने सॉल्ट दिया है क्या ये मिक्स हो जाएगा, यस यस मैम ये मिक्स हो जाएगा। ओके तो यहां हम लिख देते हैं ये मिक्स हमारा हो जाएगा। नाउ मुझे एक और आपको देने दो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अनदर बीकर, यू हैव अनदर बीकर, अगेन 100 ml वाटर आपने इंक्लूड करा, और नाउ आपने मान लो बहुत आपने ले लिया 2 कप, 2 कप ले लिए हैं आपने सॉल्ट, और ये दोनों कप आपने इंक्लूड करे हैं इसके अंदर, क्या ये मिक्स हो जाएगा, हो जाएगा मिक्स के नहीं होगा, नहीं होगा, नो ये मिक्स आपका नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ये हो गया आपका कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया है आपका, ये जिसमें आपका सॉल्ट जो है मिक्सअप आराम से हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ आया दोनों के बीच में मतलब, एक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है,
आया समझ कि कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आप ने पानी तो है आपके पास, 100 ml वाटर है, कितना भी ml वाटर है, लेकिन आपने इतना सोल्ट डाल दिया, इतना शुगर डाल दिया कि अब वो मिक्स ही नहीं हो रहा। ट्राई करना, सब घर पे करना ट्राई। आज एक चम्मच नहीं, एक चम्मच आपने डाल लगाया, अरे तो मिक्स हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया। 2 चम्मच वो तब भी वाटर क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। और चम्मच तो लगाते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, एक फेज ऐसा आएगा वाटर विल से मुझे नहीं चाहिए और नमक, भर गया, नहीं चाहिए, तो वो आगे डिजोल्व करेगा ही नहीं। ठीक है, सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होगा ही नहीं, आपका सॉल्ट यहाँ पर ही नीचे, राइट, आपका क्या होगा, यहाँ पर नीचे सॉल्ट रह जाएगा और पूरा इतना नमकीन पानी हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये डिफरेंस है क्लास कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के अंदर। ठीक है, ओके, नाउ ये जो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये बताते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में, मतलब सॉल्यूशन में कितना स्ट्रेंथ है, कैसा कंसंट्रेटेड है। भाई आप नमक का पानी आपने लिया, अरे नमकीन है, ठीक है, डाइल्यूट में क्या आपने पिया, नमकीन है, ओके, कंसंट्रेटेड बोले कितना ज्यादा नमकीन है, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है। स्ट्रेंथ बता रहे सॉल्यूशन की, हमें एक जगह तो नॉर्मल सॉल्ट लगा, इसमें तो बहुत ज्यादा लगा, स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की बता पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी हम देखेंगे ये कंसंट्रेशन डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसके बारे में आगे। ये एक इकलौता न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है जो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, एंड क्लास ट्रस्ट मी बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली कैन यू सी ओवर हियर, हमने दो, बस दो, मान लो 2 चम्मच हमने सॉल्ट डाला, मिक्स हो जाएगा, या इतना सारा सॉल्ट डाला मिक्स नहीं होगा, नीचे रहेगा, नीचे रहेगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन सॉल्यूशन विद अ लेस सॉल्यूट, सॉल्यूट वाटर वाज सॉल्वेंट, सॉल्ट इज सॉल्यूट, राइट, सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, तो लेस सॉल्यूट, कम नमक डाला। ठीक है, सॉल्यूशन विद हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, बहुत ज्यादा नमक डाल दिया, सॉल्यूट इज व्हाट, यू नो, जो भी हम कम क्वांटिटी में डालते हो, राइट, दैट इज सॉल्यूट। अगर आप चीनी भी ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो वाटर है सॉल्वेंट, आप सॉल्यूट ऐड करो, इतना सारा आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, हाई कंसंट्रेटेड बन जाएगा। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्यूशन कैन बी फर्दर डाइल्यूटेड। आपने एक सॉल्टेड वाटर है, आपने इसमें सॉल्ट ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, आपने क्या ऑन किया, आपने ऑन किया टैप, ठीक है, टैप से आ रहा है पानी, क्या हो रहा है, पानी भर रहा है, और पानी भर जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका डाइल्यूट और हो जाएगा, डाइल्यूट और हो जाएगा, है ना, आपका डाइल्यूट पानी, आपका सॉल्ट कम हो जाएगा उसके अंदर, आपका डाइल्यूट और ज्यादा हो जाएगा, कम लगेगा नमक। हम करते हैं ना कभी कभी, हमने बनाया कुछ, आपने नमक ज्यादा डाल दिया, अरे बहुत नमक है, आप और पानी लगा देते, ज्यादा पानी डालने से डाइल्यूशन हो जाती है कम, ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्यूशन विल बी फर्दर डाइल्यूटेड। पानी हमने डाला, सॉल्ट हो गया कम, डाइल्यूशन हो गई ज्यादा। ठीक है, ओके, ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें हमने सॉल्यूट इंक्रीज कर दिया, मतलब हमने नमक को इंक्रीज कर दिया, सॉल्यूशन कैन बी फर्दर कंसंट्रेटेड। यहाँ डाइल्यूट कैसे हो रहा है, ज्यादा पानी इंक्लूड कर दो, ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, कंसंट्रेटेड ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा नमक डाल दो, डाल दो, डाल दो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर डाइल्यूट है, आपके पास एक बीकर है, हल्का सा नमक डाला, बन गया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और वाटर डाल दो, डाइल्यूट ज्यादा होएगा, राइट, यहाँ पर आपके पास बीकर है, आपने क्या, बहुत सारा नमक आपने इंक्लूड कर दिया, कनगा कंसेंट्रेटेड, और नमक डालते जाओ, कंसेंट्रेटेड बनता जाएगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है डाइल्यूट सॉल्यूशन में और कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बीच में। ओके, नाउ क्लास दो मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे, एक है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, एक है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये एक इकलौता न्यूमेरिकल्स है, इनके कुछ फॉर्मूले हैं, मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या डिफरेंस है पूरे इसमें? सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में फर्क है। क्या मतलब होता है बेटा मास ऑफ वॉल्यूम में? मास क्या होता है कि अगर ये जो है ऑब्जेक्ट, इसने कितना मास है, राइट, कितना इसका होगा ना, कुछ तो मास होगा इसका, कितना इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो इसका वॉल्यूम है। ये डिफरेंस है मास एंड वॉल्यूम। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप देखो आपको क्या गिवन है, क्या पूछा हुआ है। सिंपल पॉइंट ऑफ नहीं है न्यूमेरिकल्स में, आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है एंड आपका आंसर यू आ जाएगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हमने 40 ग्राम सॉल्ट में इंक्लूड करा है, मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ मैम सॉल्यूट। ओके सॉल्यूट, ठीक है, ओके ठीक है, 320 ग्राम हमने क्या इंक्लूड किया है वाटर में, ये क्या हुआ सॉल्वेंट, ये हुआ सॉल्वेंट। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास, क्या मास बाय मास परसेंटेज में हमें बताना है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट पता है आपको, 100 ग्राम 40 ग्राम सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। सॉल्यूशन हमारा कैसे बनता है? सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इंक्लूड करके तो बनेगा, वो भी कर आपके पास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है आपके पास, आपने क्या इंक्लूड करा, सॉल्यूट ही ऐड करूंगे, सॉल्यूट आपने ऐड किया, सॉल्यूट आपने ऐड किया, क्या बन जाएगा ये पूरा, बनेगा सॉल्यूशन, ये बनेगा सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे हम सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम 40 को, ओके सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्या हम क्या करेंगे, हम 40 को और 320 को प्लस कर देंगे, 40 प्लस 320 जो भी आंसर आएगा, पूरा यूनिट लिखना मोर इम्पोर्टेंट, ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, आपका क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है क्लास, तो अब आया समझ, क्या करूंगे मास बाय मास परसेंटेज फॉर्मूला लिखेंगे, पहले फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, 40 ग्राम ही है सॉल्ट डाला था। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो हमने कितना हुआ 40 ग्राम प्लस 320, 360 बन गया मास ऑफ सॉल्यूट आ गया हमारे पास 360। हमारे पास ये भी आंसर पता चल गया, इसका भी पता चल गया, इनटू 100 करना है बस, तो 40 डिवाइड में 360 इनटू 100 आंसर विल बी 11.1%। मास बाय मास परसेंटेज विल बी 11.1। सो इजी, सो इजी, राइट, कर सकते हो, सी आप भी कर सकते हो। आप देखना आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, नाउ हमने एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाया, नेक्स्ट एग्जांपल हम आपके पास है टाइम, आई विल बी गिविंग यू टाइम, आप सॉल्व करोगे। दिस इज द क्वेश्चन, इफ 110 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, इतने ग्राम का सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन इतने ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोल दिया, ये पता चल रहा है कितने m, ये हमारा क्या दे दिया, देखो 110 ग्राम हमारा कितना है सोडियम क्लोराइड, इसमें प्रेजेंट है इतना ml ऑफ सॉल्यूशन में, है ना, तो कैलकुलेट करो कंसंट्रेशन, बताओ मेरे को जल्दी, कैलकुलेट करो, जल्दी कैलकुलेट करो फटाफट, और कमेंट बॉक्स में लिखो क्या आंसर हो सकता है, क्या सोडियम क्लोराइड सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, नहीं है, आपका मास बाय मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगेगा, करो 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 जल्दी करो। मैं आपको हल्का सा ये बता देती हूँ, वॉल्यूम परसेंटेज आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का फॉर्मूला पहले लिख दो,
मास बाय सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस में अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हेनरी। पहले देखो आपके पास क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। मैम गिवन तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है, हमारे पास 110 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl है बेसिकली सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सॉल्ट नहीं लिखा, हमने नेक्स्ट लास्ट वाली क्वेश्चन में पूछा था सॉल्ट, तो आप सबने बता दिया ये तो सॉल्ट, ये ना हमारा वो है सॉल्यूट है, राइट, सॉल्ट का वर्ड आते, लेकिन यहाँ जब सोडियम क्लोराइड लिख दिया तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ये भी सॉल्यूट है, ठीक है। ओके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 550, तो हमारे पास आ तो गया सब, हमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, मास भी पता है वॉल्यूम भी पता है, तो कर दो डिवाइड इनटू 100, कर दो आंसर बताओ, करो सॉल्व, 100 110 बाय 150 कट जाएगा 0 0, करो 100 आंसर बच जाएगा 20%। जिन बच्चों का 20 आया है वेरी गुड, वेरी गुड, तो आपको आ गया है बेसिकली न्यूमेरिकल, चाहे इस चैप्टर से कुछ भी आ जाए आपको आ गया। हम और क्वेश्चंस करेंगे, इनका नहीं हुआ अफसोस करने की जरूरत नहीं है, हम और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 16 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन इतने ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, हमारा फॉर्मूला लगेगा मास बाय मास परसेंटेज। क्यों, यहाँ पर हमारे दोनों मास में ही गिवन है, राइट, मास ऑफ सॉल्यूशन, लास्ट क्वेश्चन में क्या था हमारा वॉल्यूम में था, ml ml दे रखा था, वॉल्यूम में गिवन था, यहाँ पर दोनों मास है ग्राम ग्राम, सो मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आंसर आपके सामने है, फॉर्मूला है, आंसर निकाल लो, वर्ड यहाँ पर आपको सब पता है, ये जो है आपके हो गया सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट 16 ग्राम एंड 120 ग्राम आपका हो गया सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, कर लो पुट करो ये फॉर्मूला 16 बाय 120 इनटू 100, आंसर आ गया 13.3% मास बाय मास परसेंटेज, 13.3% सॉल्यूशन आ गया, गुड, जिन बच्चों का आया है अमेजिंग। ओके नाउ क्लास, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा, दो टॉपिक करे हैं, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने, ये वाले क्वेश्चंस करे हैं, तो हमने क्या किया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, वी डिस्कस अबाउट दीज टू फॉर्मूला, राइट, ये दोनों फॉर्मूला के बारे में पढ़ा है, इसको याद होना चाहिए आपको, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्या याद करना है, मास अपॉन सॉल्यूट, मास अपॉन सॉल्यूट, मास अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इनटू 100, डन, याद हो गया, बस न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, हो गया मैम ये टॉपिक, ठीक है, हो गया आपको टॉपिक। नाउ हम और देखेंगे, हमारे पास इनका टॉप डिफरेंस पता चल गया, डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है पता चल गया, डाइल्यूट वो हो गया जिसमें कम नमक डाला है ना, जिसमें नमक सारा डिसॉल्व हो जाता है डाइल्यूट कहते हैं, कंसंट्रेटेड ज्यादा सोल्ट डाल दिया डिसॉल्व भी नहीं हो रहा, जितना नमक ने लेना था, जितना पानी ने लेना था उतना ले लिया, बाकी डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, कंसंट्रेटेड। इसके अलावा हमने डिस्कस किया सॉलिड सॉलिड बनता है सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड लिक्विड बनता है जेल, जेल याद रखना जेल, सॉलिड गैस बनता है हमारा फॉर्म, सॉलिड है गैस इंक्लूड कर दिया फॉर्म बन गया, तो लिक्विड में गैस, ये सब मीडियम है, इधर के लिखे हुए वाले वर्ड भी मीडियम है, लिक्विड में सॉलिड क्या डाल दिया सॉल्ट, ठीक है सॉल्ट, सॉलिड इज मड, मड, लिक्विड लिक्विड इमल्शन, लिक्विड लिक्विड इमल्शन, लिक्विड गैस फॉर्म, गैस सॉलिड एरोसोल, गैस लिक्विड एरोसोल, राइट, गैस लिक्विड एरोसोल, गैस सॉलिड एरोसोल, गैस गैस होता नहीं है, गैस तो याद हो गया, लिक्विड गैस फॉर्म, लिक्विड था उसके अंदर गैस इंक्लूड कर दिया, सोप था गैस, सोप के अंदर गैस इंक्लूड कर दिया, क्या बनेगा फॉर्म बनेगा, वाटर ऑफ वाटर, मिल्क में वाटर डाल दिया इमल्शन, इमल्शन सॉलिड लिक्विड, तो हमारा पास लिक्विड और सॉलिड में क्या बना सॉल्ट, सॉल्ट लिक्विड, लिक्विड इमल्शन, इमल्शन लिक्विड गैस फॉर्म, याद रखना ओके, सॉलिड गैस, सॉलिड गैस फॉर्म, सॉलिड गैस फॉर्म,
सॉलिड लिक्विड जेल जेल सी जेली जेल, सॉलिड और लिक्विड कंक्लूड करके जेली बनता है, जेल याद रहेगा आपको, जेल। सॉलिड 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 सॉल्ट, ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। ये सारे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स हैं, राइट। सॉल्ट गैस और गैस आपको कुछ होता नहीं है, बाकी सब आपको याद होना चाहिए। और आपको याद होना चाहिए ये दोनों फॉर्मूले जो हमने अभी डिस्कस करे थे, जो है मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और हमने ये सारे एग्जाम्पल डिस्कस करे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे भी आ सकते हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कर चुके हैं। तो क्लास स्टिल आपको कोई भी डाउट है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है, मान लो ये और न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको सॉल्व करके आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है, राइट, थोड़ा सा टॉपिक करा है बट बहुत डीपली किया। इफ यू रियली लाइक दिस सेशन प्लीज लाइक दिस चैनल एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, राइट क्लास, शेयर इट एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो, राइट। एंड डोंट फॉरगेट क्लास टू यूज माई कोड RAY10। सो क्लास जस्ट गो आफ्टर दिस सेशन, गो एंड डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप एंड यू विल गेट फुल 10% ऑफ After using this code RAY10, okay class. So I hope, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है, ठीक है क्लास। सो वी विल सी यू टुमारो एंड फॉर द टाइम स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, लेट्स क्रैक इट।